लाखों अस्पताल में लोग पहुंचे हैं, तीन लोग दोनों पक्ष के हैं कि एक ही पक्ष के हैं? जो फकवा थाना अंतर्गत है, इसमें तीन व्यक्तियों की आपसी गोलीबारी में मृत्यु हो गई है। घटना का कारण क्या, क्यों गोलीबारी हो गई? पैसा मांगने में। बकाए को लेकर खूनी जंग छिड़ गई। जी हां, पटना में 400 रुपए के विवाद को लेकर गोलियों की बौछार हुई है, 50 राउंड फायरिंग हुई है और इस फायरिंग में तीन लोगों की हत्या हो गई है, वहीं एक की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। दरअसल बीते दिनों पटना में आपराधिक मामले जो हैं वह काफी बढ़ गए हैं। आपको बता दें कि आए दिन किसी न किसी जिले से हत्या छिनतई के मामले जो है वह सामने आते रहते हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन से लेकर सुशासन बाबू की सरकार पर भी कई सारे सवाल खड़े होने लगे हैं। ताजा मामला पटना के फतुहा जिले का है, जहां 400 रुपए के लिए दो पाटीदारों के बीच शुरू हुआ विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि बात गोलियों तक आ गई और इस दौरान कुल 50 राउंड फायरिंग हुई है, जिसमें तीन लोगों की हत्या हो गई है, वही एक की स्थिति नाजुक बनी हुई है। बता दें कि जब इस घटना की जानकारी पुलिस तक पहुंची तो मौके पर 7 थाने की पुलिस पहुंची और जब उन्हें घटना की जानकारी मिली तो वह भी हैरान रह गए। बताएंगे पूरा मामला क्या है। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं सृष्टि और आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। घटना गुरुवार के देर रात 11 बजे की है। मामला फतुहा थाना क्षेत्र के सुरगापर गांव का है। वहीं इस मामले को लेकर ग्रामीण एसपी संदीप सिंह ने बताया कि फतुहा थाना अंतर्गत गांव सुगरापर और नियाजपुर में रहने वाले एक ही समुदाय के दो लोगों के बीच दूध के लेन देन से संबंधित मात्र 400 रुपए का विवाद था, इसी कारण दोनों गुटों के बीच फायरिंग हुई है। इसमें तीन लोगों की मौत हो गई है, वहीं एक और युवक को गोली लगी है जिसका इलाज चल रहा है। पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है, वहीं पूरे इलाके को जो है वह छावनी में तब्दील कर दिया गया है, साथ ही पुलिस इलाके के लोगों से पूछताछ कर रही है। मामला कहां का है और क्यों घटा ये? एक व्यक्ति से गाली गलौज हुआ था सर, उसी में इन लोग गोली वाली चलाए और उन लोग को भी लग गया और मेरे तरफ को भी आदमी को लग गया, हम लोग आठ में आदमी थे। मतलब यहां जो फतुहा अस्पताल में लोग पहुंचे हैं, तीन लोग दोनों पक्ष के हैं कि एक ही पक्ष के हैं? एक ही पक्ष के हैं। मतलब यहाँ जो फतुहा अस्पताल में लोग पहुँचे हैं, तीन लोग दोनों पक्ष के हैं कि एक ही पक्ष के हैं? एक ही पक्ष के हैं, बाकी उन लोग पार्टी जो था उसी पर लगाए गए। घटना का कारण क्या, क्यों गोलीबारी हो गई? पैसा मांगने में। गोली दिया था किसी व्यक्ति को, वही पैसा मांग रहे, इसीलिए गोली चलाई। घटना की सूचना मिलने के बाद फतुहा के डीएसपी सियाराम यादव के साथ ही फतुहा थाने का पुलिस मौके पर पहुंची थी। डीएसपी ने बताया कि शिवजी प्रसाद और कैलाश सिंह दोनों पाटीदार हैं, दोनों के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था, इसी विवाद में यह घटना हुई है। ऐसी सूचना मिली है कि ग्राम सुरगापर जो फतुहा थाना अंतर्गत है, इसमें तीन व्यक्तियों की आपसी गोलीबारी में मृत्यु हो गई है। इस सूचना के सत्यापन आवश्यक कार्रवाई में थानाध्यक्ष फतुहा तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और सभी लाशों को अस्पताल में लाए हैं, फतुहा कम्युनिटी हॉस्पिटल में, और यहां से पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है और पुलिस बल मौके पर कैंप कर रही है। स्थिति अभी सामान्य है। एक अन्य व्यक्ति की भी सूचना मिली है कि घायल हो गए, उनका भी इलाज NMCH में कराया जा रहा है। आखिर ये गोलीबारी जो हुई है दो पक्ष के बीच, कारण क्या रहा है, कुछ पता चल पाया है? अभी तक जो कारण पता चला है वो आपसी विवाद ही मालूम चला है, वो जमीन विवाद होने की संभावना है। दोनों पक्षों में तीन लोगों की मौत और एक युवक के घायल होने के बाद गांव में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। हालात को काबू करने के लिए पूरे गांव में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। इन दोनों गुटों के बीच जमीनी विवाद को लेकर पहले से झड़प और तनातनी चल रही थी। वहीं 400 रुपए दूध के बकाए को लेकर शुरू हुआ या विवाद जो है वह खूनी जंग में बदल गया। 50 राउंड फायरिंग हुई और जिसमें तीन लोगों की हत्या भी हो गई है। इस पूरे मामले में पुलिस जो है वह छानबीन कर रही है, वहीं
पूरे इलाके में पुलिस की तैनाती कर दी गई है, गांव में तनाव की स्थिति बन गई है। अब आपको बता दें कि पटना में आपराधिक मामले जो हैं वह लगातार बढ़ रहे हैं, आए दिन छिनतई हत्या के मामले जो हैं वो सामने आते रहते हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन के काम पर काफी ज्यादा सवाल उठ रहा है। लोग आए दिन कह रहे हैं कि पुलिस जो है वो अपना काम सही से नहीं कर रही है, और इसके साथ ही सरकार पर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमारे इस वीडियो पर बताइएगा जरूर। अगर आप हमारे यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें द इंडिया टॉप। धन्यवाद।